तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्रिज लगे हुए हैं डबल डोर। तो फ्रेंड्स, जो आज मैं आपको रिव्यू देने जा रहा हूँ वो एक डबल डोर कंपैरिजन का रिव्यू देने जा रहा हूँ। तो मेरे सामने जो फ्रिज है फ्रेंड्स अभी, वो एक है सैमसंग का डबल डोर जो कि 363 लीटर में। और फ्रेंड्स, वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे है ये हायर का जो कि 358 लीटर का डबल डोर साइज फ्रिज है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको इसका रिव्यू देंगे कि दोनों में से स्टोरेज वाइज और फीचर्स वाइज कौन सा बेस्ट है, ताकि आप अगर मार्केट में सर्वे करने जाएं और आपके सामने ये वाले फ्रिज आ जाएं तो इन दोनों में से कौन से बेस्ट है वो आप आसानी से उसको परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको हायर के बारे में ही बताऊंगा। हायर का फ्रेंड्स ये 358 लीटर का फ्रिज है जो कि आपका 3 स्टार रेटिंग के अंदर है और 256 यूनिट पर ईयर ये ले रहा है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या क्या यूनिक फीचर है वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो ये एक इन्वर्टर फ्रिज है आपका जो कि वेरिएबल्स पे चलता है और बिजली की काफ़ी हद तक सेविंग करता है। फीचर्स की अगर बात करने हैं तो इसमें आपको मैजिक कन्वर्टेबल के फीचर मिलते हैं। मैजिक कन्वर्टेबल में क्या होता है फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं स्टिकर्स में, तो यहाँ पे लिखा हुआ इन्होंने 10-in-1 कन्वर्टेबल, यानी डिफरेंट कन्वर्टेबल मोड्स इसमें यूज होते हैं। तो वो मोड्स होते क्या है फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे दे रखा है फ्रेंड्स आपको ये आपका -18 डिग्री, 1 से 7 डिग्री, दूसरा 5 डिग्री, ये सारे आपको डिग्री के हिसाब से दे रखे, यानी टोटली 10 पॉइंट दे रखे हैं। तो यानी आप इसका टेम्परेचर कंट्रोल करते हुए, वो सारा टेम्परेचर आपका यहीं से कंट्रोल होगा, टेम्परेचर को कंट्रोल करते हुए आप इसको डिफरेंट डिफरेंट मोड्स पे डिग्री के हिसाब से चेंज कर सकते हो। ये वाला स्टिकर जो होता है ये तो कंपनी लगाती है, अगर आपको प्रॉपर जानकारी लेनी है तो उसके लिए आपको इसके मैनुअल बुक में भी जा सकते हैं, मैनुअल बुक भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहीं से आपका ये का सारा टेम्परेचर कंट्रोल होता है। ये फ्रीजर का हो गया है और ये वाला आपका फ्रिज सेक्शन का हो गया। तो ये कन्वर्टेबल किस टाइप से होता है, तो वो आपको यहीं से फ्रीजर के थ्रू हो जाएगा आपका। तो फ्रेंड्स, चलिए जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये इसके फ्रीजर कंट्रोल है जहाँ से कि आप कन्वर्ट करते हो। तो इसमें जैसे कि आपको फ्रीजर लिखा हुआ है -24 डिग्री और -12 डिग्री और -7 डिग्री, यहाँ पे लिखा हुआ फ्री सेक्शन में क्या गया, आप इसको फ्री सेक्शन बनाते हो तो ये 0 से 5 डिग्री पे जाता है। वहीं पे अगर आप नीचे की सेटिंग्स देखते हो तो नीचे की सेटिंग में कोल्ड एंड कोल्डेस्ट ही सिर्फ दे रखा है, यानी 1 डिग्री से 7 डिग्री तक आप कर सकते हो। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसके फ्रीजर को फ्रिज में बनाना चाहते हो, यानी अगर आपको इसके फ्रीजर को फ्रिज बनाना है तो प्रॉपरली स्टोरेज के लिए, तो आपको यहीं से कन्वर्ट होगा, यानी ये सिर्फ आपका फ्रीजर ही कन्वर्ट होगा, फ्रिज ही रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है इसका कन्वर्टेबल मोड्स। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसमें नेक्स्ट की, तो इसमें 1 आवर आइस मेकिंग का भी फीचर मिलता है। 1 आवर आइस मेकिंग का क्या होता है फीचर, 1 आवर आइस मेकिंग में इसमें आपको आइस क्यूब का एक बकेट मिलेगा जो कि अभी फिलहाल वेजिटेबल बॉक्स के अंदर है। तो वो जब आइस मेकिंग जब यहाँ पे आप इसकी करोगे जो कि -24 डिग्री में है, तो लगातार 1 घंटे के अंदर काफ़ी फास्टली ये आइस क्यूब्स बना के आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें नेक्स्ट की बात करते हैं, तो इसमें आपको ट्रिपल इन्वर्टर एंड ड्यूअल फैन टेक्नोलॉजी मिल रही है, यानी इसमें जो कंप्रेसर होता है ट्रिपल इन्वर्टर के साथ आता है और इसका जो फैन होता है इसमें 2 फैन मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 2 फैन का मतलब आपका इसमें ऊपर भी और नीचे भी 2 फैन यूज़ हो रहे हैं। अब बात करते हैं इसमें ईजी स्लाइड सेल्फ की, वो तो मैं आपको पूरा अंदर ही बता दूंगा, पहले बता देता हूँ आपको इसके नेक्स्ट फीचर के बारे में। तो कनेक्ट होम इन्वर्टर, यानी इस फ्रिज को आप अपने घर के इन्वर्टर से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो चलिए बात कर लेते हैं इंटरनल स्टोरेज की। तो ये तो फ्रेंड्स आपने देख ही लिया, ये फ्रीजर का स्टोरेज है जिसमें कि आपको एक टफन ग्लास मिलती है और यहाँ पे डोर पे 2 रैक मिलते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं इसके फ्रिज सेक्शन की, तो फ्रिज सेक्शन में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको ये टोटली यहाँ पे 4 सेल्फ मिलती है टफन ग्लास वाली, जिसमें कि आप भारी से भारी वजन रख सकते हो। यहाँ पे जो 4 सेल्फ है फ्रेंड्स वो आपका एक ही साइज में फिक्स है, यानी बर्तनों को आपको इन सेल्फ के हिसाब से ही रखना पड़ेगा। वेजिटेबल की केस की बात करें तो वेजिटेबल केस भी अगर आप देखते हैं तो कम से कम 3 से 4 मेंबर आराम से यूज कर सकते हैं। तो ये वेजिटेबल केस है इसका, ज़्यादा बैक तक नहीं है, थोड़ा आगे तक है, क्योंकि बैक साइड में जो होता है कंप्रेसर यूज होता है।
डोर स्पेस की बात करते हैं तो इसमें 2 लीटर के लिए अलग से नीचे दे रखे है और 2 ऊपर दे रखे है, जो कि 1 लीटर की बोतलें और यहाँ पे जो आपका छोटा सामान आता है उसके लिए परफेक्टली दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, गैसकेट की बात करेंगे तो इसकी जो गैसकेट होती है वो रिमूवेबल गैसकेट होती है, जिसको आप निकाल के इजीली टू क्लीन भी कर सकते हैं। बाकी बात कर लेते हैं इसमें और की, तो जैसे कि इसमें हैंडल जो आता है पॉकेट हैंडल के साथ आता है, साइड फिनिश जो होती है फ्रेंड्स इसकी लेदर फिनिश होती है, सिल्वर कलर का है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इसमें आपको वारंटी की, तो इसकी जो फ्रेंड्स वारंटी आती है इसमें आपको 10 ईयर की, तो इसकी कंप्रेसर की वारंटी आती है और 2 साल की फ्रेंड्स इसमें टोटल आपको वारंटी मिलती है। वारंटी कंप्रेसर में इसमें फैन मोटर की भी वारंटी आपको मिलेगी 10 साल की। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे शो कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये था हायर का 3 स्टार का 358 लीटर का डबल डोर साइज के बारे में आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स ये सिल्वर कलर का है, 1 स्टार रेटिंग के साथ है, बिकॉज इसलिए क्योंकि ये डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ आता है और 324 यूनिट मात्र ले रहा है, यानी 1 साल की, 1 साल की बताते हैं, जैसे 365 दिन में काफ़ी कम ले रहा है क्योंकि ये वेरिएबल पे चलेगा तो कम लेगा। अब चलिए इसकी खासियत बता देते हैं। खासियत इसकी ये है फ्रेंड्स, तो ये भी आपका डिजिटल वाला है और इसमें टेम्परेचर पैनल आगे से है, जैसे कि हायर में आपका अंदर से था। इसमें टेम्परेचर पैनल में क्या है, फ्रीजर का टेम्परेचर आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं और फ्रिज का यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 3 सेकंड होल्ड करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स ये भी आपको कन्वर्टेबल दे रहा है, अब 5-in-1 कन्वर्टेबल और जो मैंने 10-in-1 कन्वर्टेबल बताया था उन दोनों में इसमें क्या फ़र्क है। तो जो 10-in-1 कन्वर्टेबल आपका ये फ्रिज है हायर का और उसमें आपके मोड्स चेंज होते थे यानी टेम्परेचर के हिसाब से, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये पूरा का पूरा यूजफुल आपको मिल रहा है कन्वर्टेबल, यानी 100% कन्वर्टेबल इसको ही बोलेंगे, बिकॉज इसलिए क्योंकि फ्रीजर को आप फ्रिज बना सकते हो। ठीक है, फ्रीजर को आप ऑफ भी कर सकते हो और वहाँ पे फ्रिज को भी आप ऑफ कर सकते हो। अब कहने का क्या मतलब है, क्योंकि कंपनी इसमें आपको ड्यूअल कूलिंग टेक्नोलॉजी दे रही है, 2 फैन दे रही है और 2 इवेपरेटर कॉइल दे रही है, यानी फ्रीजर का इवेपरेटर कॉइल आपका अलग होगा और फ्रिज का इवेपरेटर कॉइल आपका अलग होगा, यानी दोनों अलग अलग होगा। अब बात कर लेते हैं इसमें कन्वर्टेबल की, तो जैसे कि पहले नॉर्मल आता है, मैं दिखा देता हूँ आपको नॉर्मल, फिर एक्स्ट्रा फ्रिज आता है, देख ही रहे होंगे आप जैसे कि स्टिकर में दिखा रखा है, यहाँ पे ऑफ हो गया, यहाँ पे ऑन हो गया, ये आइस वाला हो गया, ये नीचे वाला ऑफ हो गया, ऊपर वाला फ्रिज हो गया आपका और नीचे वाला ऑफ हो गया। अब ये ज़रूरत क्यों पड़ती है फ्रेंड, जैसे कि इसमें लिखा भी हुआ वैकेशन मोड हो गया, सीजनल मोड हो गया, कहीं आप छुट्टियों में जा रहा हो वैकेशन मोड पे, इस वाले में कोई फ्रोजन आइटम आपने रखना है, ठीक है, वो फ्रोजन आइटम रखने के लिए आपके इस फ्रीजर को आप फ्रिज में ही यूज़ कीजिए और नीचे वाले को बंद कर दीजिए। अगर आप घर में अकेले हैं, आपको इतनी बड़े फ्रिज की ज़रूरत नहीं है, तो आप ऊपर वाले को मिनी फ्रिज बना लीजिए और नीचे वाले को बंद कर दीजिए। तो ये इसका 5-in-1 कन्वर्टेबल का फ़ायदा है। ट्विन कूलिंग की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो ट्विन कूलिंग में क्या है, ट्विन कूलिंग में बात कर लेते हैं, तो इसमें ट्विन कूलिंग क्या होती है, इसमें जैसे कि मैं आपको बता रहा था, तो इसमें आपको 2 कूलिंग कॉइल मिलती है, नीचे अलग मिलता है और ऊपर की साइड अलग मिलता है, यानी 2 कूलिंग कॉइल मिल रही है इसमें। तो फ्रेंड्स इसका अगर फ्रीजर की बात करें तो इसके फ्रीजर में आपको एक कूल पैड मिलता है, कूल पैड इसको बोलते हैं, जैसे कि वहाँ पे आपको ग्लास मिल रहा था हायर में, इसमें कूल पैड मिलता है। कूल पैड का काम ये होता है कि आप कोई भी ऐसा सामान रख रहे हो जो मेल्ट होने वाला हो उसको ये सेफ रखता है, यानी मेल्ट होने नहीं देता है। डोर स्पेस की बात करते हैं तो इसमें आपको 2 डोर स्पेस मिलते हैं। अगर बात करें इसके इंटरनल स्टोरेज की, तो फ्रेंड्स इसमें आपको एक चिलर बॉक्स मिलता है, इसमें चिल्लर बॉक्स मिल रहा है और हायर में आपका चिल्लर बॉक्स नहीं था, वहाँ पे आपकी 4 सेल्फें थी, यहाँ पे आपकी 3 ही सेल मान सकते हैं इसको जोड़ के चिल्लर बॉक्स को। बाकी अगर देखा जाए दोनों फ्रिजों में तो इसकी जो विड्थ है फ्रेंड्स वो थोड़ी सी चौड़ी है, यानी स्पेस ऑलमोस्ट थोड़ा सा ज़्यादा है और ये आपका ये थोड़ी सी गैप है और काफ़ी खुली जगह है। दूसरा चीज़ ये जो सेल्फ है आपकी वो एडजस्टेबल भी है, यानी ये सेल्फ को आप एडजस्ट करके आप अपने बर्तनों के हिसाब से यूज़ भी कर सकते हो। तीसरा चीज़, फ्रूट्स और वेजिटेबल के लिए ये काफ़ी बड़ा वेजिटेबल केस है, यानी बिगर साइज़ का वेजिटेबल बॉक्स आपको इसमें मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं इसके डोर की, तो डोर स्पेस में देखते हैं तो इसमें आपको 2 लीटर के लिए अलग और ऊपर एग के लिए अलग और ऊपर अलग दे रखा है। फ्रेंड्स अगर आप इसमें एग रखना ना चाहें तो इसमें आप मल्टीपर्पज़ सामान यूज़ कर सकते हो, आजकल काफ़ी सारी चीज़ें होती है, टमाटर हो गया, नींबू हो गया, ठीक है, अदरक वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें का आप यहाँ पे स्टोरेज बना सकते हो। ठीक है, इसकी अगर हम गैसकेट की बात करते हैं तो ये भी आपका जो है रिमूवेबल गैसकेट के साथ है, यानी इसको भी आप रिमूव करके वापस यहाँ पे लगा सकते हो।
तो फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं इसमें आपको नेक्स्ट फीचर की, तो फास्टर कूलिंग तो मैंने आपको बता ही दिया है। एलिमिनेट बैक्टीरिया, यानी ये जो बैक्टीरियास होते हैं इसमें ड्यूरिया फिल्टर लगा रहता है नीचे की साइड, तो ये 99.9% तक बैक्टीरिया वगैरह को डीएक्टिवेट करता है, ठीक है, जिससे कि आपके फ्रूट्स वगैरह फ्रेश रहते हैं। ये फ्रेंड्स जो आपका है डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर है जो कि वेरिएबल्स पे चलता है, और ये फ्रेंड्स स्टेपलर फ्री ऑपरेशन के साथ भी वर्क करता है, यानी आपको इसमें स्टेपलर लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंपनी इसमें 100 से लेकर 300 तक वोल्ट दे रही है। बाकी साथ ही देखा जाता है कि इसमें आपको जो कंप्रेसर मिलता है वो डिजिटल मिलता है, और जो कंप्रेसर की वारंटी आप देख ही रहे होंगे तो कंपनी ने इसमें 20 साल की आपको कंप्रेसर की वारंटी दी है। टेम्परेचर डिस्प्ले बाहर से ही है, विदाउट डोर खोले ही आप इसका टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये था सैमसंग का 5-in-1 कन्वर्टेबल मॉडल जो कि 263 लीटर में है, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। और फ्रेंड्स इन दोनों मॉडलों के बारे में अगर कुछ भी पूछना हो तो आप ज़रूर पूछें, और फ्रेंड्स चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।